नोएडा के सेक्टर 18 की एक दुकान में आग लगने से चारों तरफ हाहाकार मच गया। अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ था और एकदम से आग लगी। हमारे में आए थे और उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बंद किया एमसीबी जो थी वो। बिल्डिंग में मौजूद लोगों का कहना है कि फिलहाल किसी भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। करीब करीब 20 मिनट पहले आग लगनी शुरू हुई और धीरे धीरे नीचे हमारा सबने आग पकड़ ली और हम लोग उसको बुझाते रह गए। हमने अपने सारे करीब 4 सिलेंडर तो हमने अपने पास से यूज़ करे ताकि हम इसको बुझाने की कामयाब हो सके। कोई इंजरी नहीं, कहीं कोई मतलब नहीं, सब लोग सेफ हैं और बिल्कुल बाकायदा सेफ है। अगर हमें किसी की बात बोलेंगे साहब कहीं पर कोई इंजरी है तो एक हम गलत बोलेंगे, बिल्कुल सब कुछ सेफ है। और सेफ्टी के पार्ट ऑफ व्यू से अभी बस वो नहीं आए हैं हमारे दमकल विभाग वाले, फायर ब्रिगेड वाले, वो भी आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में, वो भी आके अपनी सारे चीज़ों को देख लेंगे। उनको भी इन्फॉर्मेशन हो गई है, कहीं कोई बातचीत नहीं है, कहीं कोई बात नहीं। नीचे जो हमारे यहाँ मीटर लगा हुआ है शायद वो हीट अप हो गया। दरअसल एक दुकान में अचानक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। न्यूज़ टाइम्स इंडिया, नोएडा।